दोस्तों, अभी आपने जो डरावनी आवाज़ सुनी इस वीडियो क्लिप में, दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि फरात नदी सूख गई है और उसके नीचे से इस प्रकार की भयानक आवाज़ें आ रही हैं। और लोगों का मानना यह है कि संभवतः यह फॉलन एंजल्स यानी गिरे हुए स्वर्गदूतों की आवाज़ है, जिन्हें कि परमेश्वर ने उस बड़े फरात नदी के अंदर बांध कर रखा है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 9वां अध्याय उसके 13, 14 और 15 वचन में हम पढ़ते हैं, और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उससे सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है कि उन चार स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। फिर आगे 15वें वचन में लिखा है, और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए थे। तो इन्हीं वचनों के आधार पर YouTube पर यह बताया जा रहा है कि ये आवाजें उन्हीं चार गिरे हुए स्वर्गदूतों की आवाज है। लेकिन दोस्तों, यह बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यह वीडियो रिकॉर्डिंग आज का नहीं है। यह वीडियो YouTube पर एक चैनल है ट्रूथ आयज के नाम से, जिन्होंने 2018 में यह वीडियो अपलोड किया था इस नाम से कि स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम ग्रेव इन ईरान, यानी ईरान के कब्रिस्तान से इस प्रकार की आवाजें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो कितना सच और कितना झूठ है ये मुझे नहीं पता। तो अब बात करते हैं फरात नदी के सूखने के विषय पर। दोस्तों, YouTube पर ऐसा कहा जा रहा है कि फरात नदी सूख गई और बाइबल की यह भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। दोस्तों, पहले यह जान लेते हैं कि लोगों के जीवन के साथ फरात नदी की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई है जिससे कि लोग आज बहुत ही ज्यादा यूफ्रेटिस रिवर यानी फरात नदी के विषय में सर्च कर रहे हैं और उनके विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं बाइबल की वह भविष्यवाणी जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, और 6वें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। दोस्तों, अब फरात नदी की कंडीशन को देख लीजिए, मार्च 23, 2021 में किस प्रकार की थी। ये जो टावर उस नदी पर बना हुआ है, उस वक्त इस टावर के आधे से ज्यादा पानी उस नदी में भरा हुआ था। फिर 11 सितंबर 2021 तक नदी का वाटर लेवल घटकर कुछ इस तरीके का हो गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार इतनी कम समय में इस नदी का वाटर लेवल इतना घट गया। फिर 10 जनवरी 2022 तक नदी का वाटर लेवल और भी ज़्यादा घट गया और टावर के निचले हिस्से तक पानी चला गया। और अभी आप देखिए, इसी साल 15 सितंबर 2022 को इस नदी का कंडीशन किस प्रकार है। ऑलमोस्ट सूख चुकी है और टावर के निचले हिस्से पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक यह नदी पूरी तरह से सूखी नहीं है, तो यह भविष्यवाणी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उस भविष्यवाणी में लिखा है जब नदी का पानी सूख जाएगा तब पूर्वी देश जैसे इराक ईरान उसी रास्ते से होते हुए इजराइल के ऊपर युद्ध करने के लिए आएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से क्रोध के जो 7 कटोरे पृथ्वी पर उंडेले जा रहे हैं, वो कब उंडेले जा रहे हैं? जब पृथ्वी पर एंटीक्राइस्ट जाहिर हो चुका है और उसकी छाप मनुष्य के ऊपर लग चुकी है, जैसा हम इस अध्याय के 2वें वचन में पढ़ते हैं, इसलिए पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, परिणाम स्वरूप उन व्यक्तियों को जिन पर उस हिंसक पशु की मुहर यानी एंटीक्राइस्ट की छाप थी तथा जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, कष्टदायी और घातक फोड़े निकल आए। तो क्या अभी तक पृथ्वी पर एंटीक्राइस्ट जाहिर हो चुका है? नहीं, उसकी छाप मनुष्य के ऊपर लग चुकी है? नहीं। तो फिर जब पहले स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नहीं उंडेला है, तो फिर 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पृथ्वी पर कैसे उंडेल रहा है? देखिए, संदर्भ के अनुसार देखा जाए तो जब 6वें स्वर्गदूत अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेलेगा, उससे पहले ही 5 स्वर्गदूत अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल चुके होंगे। हाँ, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि एंटीक्राइस्ट के जाहिर होने की प्रोसेस अभी जारी है। जैसे हर धर्म के रिलीजियस लीडर इकट्ठे हो रहे हैं, एक तरफ फरात नदी सूख रही है, दूसरी तरफ हर जगह हर देशों में लड़ाई का माहौल बना हुआ है, तीसरी तरफ ये RFID चिप तैयार किए जा रहे हैं और सोसाइटी को कैशलेस बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेस के द्वारा एंटीक्राइस्ट के रास्ते को तैयार किया जा रहा है। दूसरी ओर फरात नदी अभी पूरी तरह सूखी नहीं है, 2-3 वर्षों से ये सूख रही है, और जब ये पूरी तरह से सूख जाएगी तब भविष्यवाणी में जैसा लिखा है कि पूर्वी देश के राजा इजराइल के ऊपर चढ़ाई करेंगे, फिर वही होगा जब ये सारे लोग परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने की कोशिश करेंगे
तब यीशु मसीह का आगमन होगा और वह अपने लोगों की ओर से लड़ाई करेंगे, फिर एंटीक्राइस्ट को खत्म करेंगे। तो हम सभी लोग यह बात जानते हैं कि ये सारी बातें आखिरी में होगा, लास्ट में होगा। फिलहाल ये सारी प्रोसेस एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, वो है एंटीक्राइस्ट। तो आई होप कि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।